गुड गुड इवनिंग सर, गुड सुन इवनिंग पा सर, रहे हैं? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग बेटा। सर सर शीट कहाँ पे है सर? शीट नहीं मिली। कौन सी सीट नहीं मिल रही था? सर होमवर्क वाली। होमवर्क वाली शीट नहीं मिलती, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की होगी मधु मैडम ने, उसमें आपको क्वेश्चंस मिले होंगे, दो क्वेश्चन दिए थे ना, ज्यादा नहीं दिए थे गुड इवनिंग सर। नहीं मिली बेटा, तो आई थिंक यू शुड टॉक टू मधु मैडम, यस सर नहीं मिली। तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, मैं उनको बोल दूंगा तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। ओके सर, तो अभी आप ओके लोगों को सर, मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या? यस सर। क्या शो हो रहा है? सर आपके बैकग्राउंड में अच्छा सर नहीं, घोड़े हैं। अच्छा मेरे बैकग्राउंड में घोड़े। ओके ठीक है, मैं आपको एक पर्टिकुलर टैब शो कर रहा हूँ। सर यस एक बार ओके, 11.2 समझा दो सर, 11.2 समझ नहीं आई थी मुझे। यस यस समझा दो सर, 11.2 मतलब इलेवन मैथ चैप्टर 11 चैप्टर कराता हूं, सर क्या सर स्क्रीन पे क्या सो रहा है आपको अभी? ओके 15 का आ रहा है मुझे पता है, पर सर कल पेपर है, फिर मैं सोच रहा हूँ बुक समझ नहीं आया था सर। 11 बेटा क्या है मुझे बताओ तो, उसमें क्या है मुझे सही ला कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन बताओ। मैं इस टाइम एक काम करते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन है ना आप मधु मैडम को सेंड कर देना, मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको समझा दूंगा, ठीक है? हेलो, सर। ठीक है, जो अगर ऐसी प्रॉब्लम है, किसी का एग्जाम है, तो वो बच्चा मुझे मधु मैडम से कांटेक्ट के थ्रू कांटेक्ट कर लेगा, मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है, क्लास के बाद, राइट? हेलो, ओके ठीक है। तो अभी हम जो कर रहे थे, अभी आपको स्क्रीन पे प्लेस डिस्प्ले हो रही है यस सर, यस सर, क्या शो हो रहा है सर आपको? तो मैं ओके ग्रेट, चलिए तो हम अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो मुझे ये बताइए, क्योंकि अब तक हमने काफी कुछ कर लिया था पिछली क्लास में, ऑलमोस्ट बेसिक तो सारा कर लिया था, नाउ इट्स टर्न टू कि हम क्वेश्चंस करें या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करें, इसी की टर्न है हमारे, ठीक है? तो अभी हम करना स्टार्ट करेंगे इसको। बस मैं एक बार कनेक्ट हो जाऊं ताकि बीच में कोई दिक्कत ना आए आपको या मुझे, सब हम एक दूसरे को सुन पाए ठीक से। यस सर, ओके ठीक है, तो चलिए हमने जो भी पढ़ा है उसको हम जस्ट रिवाइज करेंगे फॉर द सेक ऑफ 2 मिनट्स और 5 मिनट्स, ठीक है? यस सर, ओके, तो वन बाय वन बोलना, जिसको भी मैं नाम लूं वो बोल देना, ऐसे मत सोचना कि मैं नाम लेके आप लोगों को पूछ रहा हूँ, जस्ट इस तरीके से मानना कि हाँ ठीक है सर, मैं जो बताया था उसको बताना है, अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो उसको क्लियर कर दूंगा, राइट? यस सर, ओके, तो यस फर्स्टली आई वॉन्ट टू आस्क लव्या जैन जो है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बेटा, हमने कॉइन्स के बारे में पढ़ा था, राइट? यस सर, ओके, तो मुझे बताओ कि दो कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूँ एक साथ, सर प्लीज तो रिपीट सर, आवाज नहीं आई रमी। ओके अगर मैं दो कॉइन को एक बार में टॉस करता हूँ तो कितने केसेस आते हैं टोटल? सर फोर, ओके चलिए, अगला क्वेश्चन मेरा जो है अर्नब से है। अर्नब, अगर मान लीजिए हम एक डाई को टॉस करते हैं तो उस पर कितने ऑड नंबर्स आते हैं? यस सर। सर एक डाइस को अगर हम टॉस करेंगे तो सर उसमें जो ऑड नंबर्स हैं सर, टोटल सैंपल स्पेस में तो 1 to 6 नेचुरल नंबर्स आएंगे, लेकिन ऑड नंबर्स 1, 3 और 5 होंगे, तो सर राइट, उनकी प्रोबेबिलिटी शायद आप पूछ रहे हैं तो 1/2 होगी। नो नो नो, मैं सिर्फ नंबर पूछ रहा हूँ, ठीक है बेटा? ओके चलिए सर, अच्छा, तब 1, 3, 5 इसलिए होगा। ओके। मानस, मानस अगर यस मैं सर, आपसे पूछूं, अगर मैं दो डाइस को टुगेदर ली
टुगेदरली मैं उनको थ्रो करता हूँ, तो मुझे बताइए टोटल कितने केसेस होते हैं। सर जब हम दो डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे फिर टॉस करेंगे तो हमारे पास 36 आउटकम्स निकल के आएंगे। ओके राइट सर। जय जय मुझे बताएंगे आप, जय अगर मैं कहूँ कि एक डाई को मैं टॉस करता हूँ यानी कि थ्रो करता हूँ तो मुझे इसमें कितने प्राइम नंबर मिलते हैं? जय बेटा यस सर, 3 प्राइम नंबर्स। ओके ठीक है। ज्योति बेटा आप मुझे बताओ एक डेक जो होती है यानी ताश की गड्डी जो होती है उसमें कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स। गुड ग्रेट। जैद क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने फेस कार्ड होते हैं एक कार्ड एक गड्डी में? 4 प्लस 4 प्लस 4 होते हैं या फिर 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 होते हैं? और 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 3 होते हैं सर, 3 होते हैं सर पहले। ओके ओके लेट मी क्लियर। जय बेटा जब हम फेस कार्ड की बात करते हैं तो फेस कार्ड जो है 3 होते हैं, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है और एक जैक होता है, राइट? यस आपने बताया था सर, जो एक एक का होता है सर अब हटा दिया है। बिल्कुल, तो 3 3 3 3 ऐसे 4 सेक्शंस होते हैं, तो तीनों में चारों सेक्शन में 3 3 होते हैं, टोटल मिला के 12 होते हैं, राइट बेटा जय? यस सर। ओके और भी बच्चे अगर मैं देख पा रहा हूँ और भी बच्चे हैं यहाँ पर तो मैं उनसे पूछता हूँ। तो मैं गर्व से पूछूं, गर्व गुप्ता आप बताओगे? गर्व ओके गर्व बेटा टेल मी कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 7/2। शाबाश। अगला क्वेश्चन मेरा जो है माला से है। माला अगर मान ली तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? माला बेटा आर यू देयर? माला बोलो बेटा माला। चलो कोई बात नहीं, आई थी माला सुन नहीं पा रही है। मैं नारायण से पूछ लेता हूँ सेम क्वेश्चन। नारायण अगर मैं एक दो कॉइन को साथ में टॉस करता हूँ और दोनों पर हेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर 1/8। एक बार फिर सोचो। और 1/4। यस 1/4 क्योंकि हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल मैक्सिमम केस 4 होते हैं और दोनों पर हेड हो ऐसा सिर्फ एक केस होता था, 1/4 1/4 राइट? यस सर। यस सर। ओके नाउ आई एम गोना आस्क वन मोर क्वेश्चन टू वंशिका तिवारी। वंशिका तिवारी यस सर। बेटा मुझे ये बताओ टोटल कितने किंग होते हैं डेक में? बताओ बेटा वंशिका। सर क्या आप रिपीट कर सकते? I have asked to Vansika. Four. Good. ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा युक्ति से है, युक्ति वास ने। Can you tell me S card कितने होते हैं? इक्के कितने होते हैं? एक deck में। Sir 4. Okay. मेरा क्वेश्चन इस बार जो है यशस्वी से है, यशस्वी शर्मा जो है कि red cards कितने होते हैं total? यशवी शर्मा कैन यू हेयर मी? सर मैं बताऊं? नहीं जैन बताइए, जैन बताइए। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे लास्ट 2-4 क्वेश्चन है, इनको मैं पूछ के फिर आगे बढ़ता हूँ। कविश चौधरी से मेरा क्वेश्चन है। कविश चौधरी कैन यू टेल मी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है?
सर मे आई टेल समय आई टेल सर वन होती है यस सर कैन आई वन होती है सर मिनिमम होती है वन सर और मिनिमम होती है जीरो और सर मैक्सिमम वो सर वन को श्योर इवेंट कहते हैं मैक्सिमम मतलब क्वेश्चंस को स्पॉइलर दे देते हो तुम लोग खत्म ही कर देते हो आगे पूछ ही ना पाऊं मैं चलो ठीक है नाउ मूव ऑन टू कि हम अपना स्टार्ट करते हैं राइट यस सर उसमें से किसी कोई क्वेश्चन डाउट तो नहीं है ना नो सर नो सर नो सर ग्रेट नाउ मूव ऑन टू आवर क्वेश्चंस क्वेश्चंस किस तरीके हैं और क्या पूछ रहे हैं एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं ठीक है यस सर तो मैंने आपको लास्ट जो पीपीटी थी उसमें दो क्वेश्चंस दिए थे तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों के पास वो पहुंच नहीं पाए मैंने तो लेकिन मधुबन तक पहुंचा दिए थे एनीवे कोई बात नहीं तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं सर एक्सक्यूज मी सर ये सर फाई का मतलब क्या होता है फाई का मतलब बेटा एम्प्टी सेट्स यानी कि जहां पर कुछ भी नहीं होता वॉइड्स को जैसे आप देखते हो ना जैसे बहुत सारे जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि एक बकेट आप रखो और बकेट में बहुत सारे स्टोन्स लाके डालो तो स्टोन्स के बीच में कुछ स्पेस बन जाता है ना आपने देखा होगा यस सर तो बहुत सारे स्टोन्स जब उसमें डालेंगे तो जगह जगह जो स्पेस बनता है इट इज कॉल्ड वॉइड्स और वॉइड का मतलब तो खाली होना तो इसी तरीके से फाई का मतलब होता है खाली होना राइट ओके सर इज इट क्लियर फॉर यू यस सर ओके यस नाउ मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट हो रहा है सबको क्लियर हो रहा है दिख रहा है साफ साफ उसने 40 बॉल में से 8 बॉलों पर चौके लगा दिए राइट अब क्वेश्चन क्वेश्चन उन्होंने पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी 0.8 That he didn't hit. उसने क्या पूछा? Didn't hit. अगर वो पूछते आपसे क्या पूछते तो favorable case की अगर मैं बात करूं तो जो favorable case है यानी कि N A जो है वो है आपके 8, right? अच्छा. Right? Total case की अगर मैं बात करूं तो total case कितने हैं? Sir, 32 होना चाहिए N A. तो आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है एन ए बार ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है ऐसे निकलती है यस सर वन माइनस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 8/40 शाबाश तो यानी कि कितना हो जाएगा 32/40 और छोटा तो आप इसमें करीब हो गए राइट क्या क्लियर है इसको ये 4/5 यस सर ओके तो यहाँ पे दो क्वेश्चन 0.8 अरे ठीक है वो सब तो आप कर लोगे ठीक है तो सेकंड ये पहला क्वेश्चन ये हो सकता था होने की प्रोबेबिलिटी पूछते एन ए पूछ सकते थे तो एन ए आपका कितना आता 8/40 और आपने एन हाँ ठीक है 1/5 लिख देता हूँ इसको ठीक है और ये वाला कितना आता ये 4/5 राइट इज इट राइट यस ऐसा कोई है आप में से जिसको ये क्वेश्चन क्लियर ना हो इज देयर एनीवन बच्चा बाटी कैन यू टेल मी कि ऐसा कोई है जिसको क्लियर ना हो नो सर क्रिस्टल क्लियर है क्रिस्टल क्लियर है यस सर यस सर तो एक होता है क्लियर एक होता है क्रिस्टल क्लियर तो आप मतलब क्रिस्टल क्लियर है क्रिस्टल क्लियर यस सर क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल ओके चलो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसका सॉल्यूशन भी दिया होगा आगे ये रहा इसका सॉल्यूशन ठीक है अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा चलिए अब आंसर देंगे आप लोग मुझे मैं पूछूंगा आपसे तब पहले क्वेश्चन रीड कर लेने दीजिए मुझे द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ द पास्ट 250 कंसेक्यूटिव डेज इट्स वेदर फॉरकास्ट आई थिंक फोरकास्ट होगा ये वर्क करेक्ट यानी कि 175 टाइम्स क्या है करेक्ट है
what is the probability that on a given day it was correct or it was not correct? तो मुझे सबसे पहले first वाले का answer देंगे. मुझे बताओ कोई answer दे सकता है इसका? Sir 0.7. Sir 0.7. 0.75. ठीक है. और कोई? Total केस कितने हैं बेटा? 275 और यहाँ पर जो आपसे पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं पी सी नॉट, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 175 अपॉन 250. तो आप कर लोगे इसको राइट? यस सर. यस सर. मेरा ऐसा कोई दोस्त तो नहीं है वैसे जो कैलकुलेट ना कर पाए? नो सर. चलो 75 बाय 250 यानी सर 0.3. या राइट. ठीक है चले आगे फिर. खुद ही पढ़ो और खुद ही मुझे आंसर देना. जब मैं पूछू तब आप लोगों के पास है 1 मिनट का टाइम, पढ़ लीजिए इसको. Sudden. Done. सबका done? Yes sir. Yes sir. Yes sir done. Yes sir done. Okay शाबाश. सबका done हो गया बेटा, कोई ऐसा नहीं किया? No sir. Sir done. Okay sir done. चलिए अब मुझे कोई भी एक बच्चा, मुझे बताना, मैं पूछना चाहता हूँ probability of पास होने की प्रोबेबिलिटी पूछना चाहता हूँ. सर 3/4 तो शुद्ध हिंदी में 30/40 बोलेंगे, 3/4. ठीक है. अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लूँ फेल होने की प्रोबेबिलिटी जिसको हम 1 माइनस PP यानी कि 1 माइनस 3/4 1/4 क्या ये क्लियर है सबको? यस सर. क्लियर हो रहा है? यस सर. शाबाश. तो मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं. ठीक है पहले मैं आपको उसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं. ये देख लीजिए सॉल्यूशन. उसने सिर्फ पास होने का पूछा था, हमने फेल होने का भी बता दिया राइट. अगला क्वेश्चन रख रहा हूं और आप लोग मुझे आंसर करेंगे 1 मिनट के बाद. ये लास्ट क्वेश्चन. Sir done. Done. Sir done. Sir done. Done. Sir done. Done. Sir. Done. Sir. Great. Sir done. Good. Sir done. Very good. So once I need to read a question. A coin is tossed 150 times. Oh, sorry. 17/30. Yes, sir. 17/30. Okay. तो maximum बच्चों ने, कुछ बच्चों ने comment में भी दिए हैं ये answer इसके. मैं comment में देख रहा हूँ phone पर. तो 17/30 maximum लोगों ने answer दिए हैं, right? Yes, sir. Yes, sir. Total number कितना था? 150. राइट. उन्होंने क्या पूछा था? प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ पीएच, मतलब इसकी कहानी पूछी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन अ सिंगल केस, तो यानी कैसे निकाला होगा? जरा मुझे थोड़ा हेल्प करोगे? कोई बच्चा निकाल देना इसको क्वेश्चन को. यस सर. बताओ कैसे निकाला होगा. 85 अपॉन टोटल 85 अपॉन 150 को 5 से डिवाइड करेंगे तो सर 30 आ जाएगा.
सर 17 बाय सर कैंसिल होके 17 बाय 30 ऐसे कुछ ऐसे यस सर सर पी ऑफ यस ऑफ एफ आई इसकी प्रॉपर्टी बताओ तो सर 1 माइनस 17 बाय सर 1 माइनस 13 बाय 30 सर 13 बाय 30 और मेरा मन करा यानी कि ये तो हो जाएगा आपका 30 माइनस 17 बटे 30 तो ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे कोई इशू नहीं है मैंने मैंने आपसे पूछ लिया इसका बताओ तो क्या करोगे सर सेम सेम होगा सर पी ऑफ नॉट सर सिमिलर आएगा क्लियर है यस सर यस सर यस सर सर उस केस में टेल्स होगा क्योंकि इन दोनों का सम जो है फेवरेबल 150 आ रहे हैं आउटकम्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है यस तो अगर मैं इसको देखूं तो मोटे मोटे तौर पे इसका आंसर बताओ मुझे कितना आएगा सर 13 बाय 30 13 बाय 30 इसका मतलब पीएच प्लस पीटी ये सब किसके बराबर होना चाहिए 1 चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट वन ठीक है अब आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लो एक बार किसी को देखना है तो ये देखो सॉल्यूशन कितने शॉर्ट में निकाल के लाया 0.567 सर जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल केस तो सर ये रिलेटेड क्वेश्चन था ना कि जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है मैं उससे रिलेट करके और फिर निकालना है ओके सर चलिए अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने प्लेस कर दिया आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है 2 मिनट साइलेंस के साथ आराम से केयरफुली मुझे इसका आंसर करेंगे ठीक है चलो सोचो कोई मुझे बताएगा बेटा कमेंट जो आप लोग करते हो मैसेज करते हो कहां पे पड़े जाते हैं इसमें सही सवाल सर अगर फोन में कर रहे हैं तो 3 डॉट्स होंगे उसको क्लिक करने पे आ जाएगा सर 3 डॉट्स मैंने कर लिया उसके बाद इन कॉल मैसेज यहां पर यस सर यस ओके तो मुझे इसमें सबके मैसेज दिखते रहेंगे सर डन सर डन सर डन सर डन सर डन चलो कमेंट में लिख के बताओ फिर मुझे इसका आंसर ओके सर क्या सबको एक दूसरे कमेंट दिखते हैं वहां पर यस सर सबको यस सर सबको देखते हैं अच्छा मतलब YouTube की तरह ही है सबको एक दूसरे के देखेंगे यस सर यस सर ओके YouTube की तरह से ना पर YouTube में बोल नहीं सकते ना हां YouTube में बोल नहीं सकते और सर YouTube की तरह आप कमेंट डिलीट भी नहीं कर सकते अच्छा डिलीट भी नहीं कर सकते सर इसमें डिलीट होता है जब वो सिर्फ क्वेश्चन वाले में होता है न्यू लाइब्रेरीज के साथ तो मैक्सिमम लोगों ने क्या सबने ही इसका आंसर जो 13/40 दिया यानी कि 13/40 यस सर तो पहला केस क्या है ये भैया कहानी कितनी थी 400 की थी यस सर 100 मार्क्स का एग्जाम था ये आपके मार्क्स ऑब्टेन यानी रेंज दे रखी है ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं इफ द रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट इज बीइंग पिक्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड मोर देन 50 मोर देन 50 का केस कहां पर आ रहा है सर 50 से आगे वालों सर 15 टू 75 और अबव 75 में यहां तक आ रहा है यस सर यस आपने क्या किया होगा इन दोनों का सम कर लिया होगा यस यस सर यस सर आपने किया होगा और डिवाइड बाय कितना किया होगा 400 2 मिनट का साइलेंस और खुद से करो क्वेश्चन को
आउटकम्स एज गिवन बिलो क्वेश्चन रह गया अधूरा रह गया क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप इसमें मैं कई सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ उनके आंसर आप कर दीजिएगा ठीक है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है प्रोव ऑफ 179/1000 प्रोव ऑफ और प्रोव ऑफ इवन सर आई हैव वन क्वेश्चन सर हम वन को भी ऑड में ही गिनेंगे क्या क्योंकि सर वो तो स्पेशल नंबर होता है ना वन ऑड नंबर में काउंट होता है बेटा ओके सर तो मतलब वन को ऑड में भी काउंट करेंगे एंड प्राइम में भी काउंट करेंगे नहीं प्राइम में काउंट नहीं होता सर प्राइम में नहीं होता ना प्राइम में ना कंपोजिट में होता सर वो यूनिक नंबर है क्योंकि वो सर एक ज्यादा ही अलग केस हो जाएगा क्योंकि सर प्राइम में होता है वो वन और खुद से डिवाइड हो जाए जबकि वन तो खुद ही अपने से डिवाइड क्योंकि वन यूनिक नंबर होता है देखो प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो प्राइम नंबर की कहानी जो चलती है वो कुछ ऐसे चलती है 2, 3, 5, 7 राइट राइट अब इस 2 की खास बात क्या होती है एक तो ये होती है कि ये खुद से डिवाइड हो जाता है जब आप डिवाइड करोगे ना चाहे 3 को 3 से करो चाहे 5 को 5 से करो सबसे कितना आता है 1 आता है राइट राइट यस सर यस सर तो ये इसकी खास बात होती है जबकि आप 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या वो सेम नंबर आ गया जबकि बाकी सब में उनको डिवाइड करने पर बनाया है तो थोड़ा इस तरीके से आप याद रख सकते हो तो 1 इज अ यूनिक और स्पेशल नंबर जैसे मुझे बताओ 0 नेगेटिव कहूं या नहीं कहूं नेगेटिव कहूं या 0 पॉजिटिव कहूं सर 0 ना नेगेटिव ना पॉजिटिव पॉजिटिव नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव तो इसको हम यूजली बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर क्या बोलते हैं इसे बेटा नॉन नेगेटिव नंबर नॉन नेगेटिव नंबर बोलते हैं तो इसी तरीके से कुछ केसेस हैं चलिए एनीवे तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करो देखो ये मोहम्मद साजिद हैं ये बच्चे का तो नाम मुझे नहीं मालूम क्या है इनके फादर का नाम आई थिंक ये कोई जो भी बच्चा है नाम बताओ मुझे क्या नाम है उनका ये जो ईमेल आईडी मोहम्मद साजिद के नाम से है पर ये बच्चा बोलता नहीं है अच्छा बोलता नहीं है चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो वन के केस में तो कितनी आएगी 179/1000 इन सब का सम अप और डिवाइड बाय राइट वन इवन का बताओ मुझे 150 149 190 डिवाइड बाय 100 ओके प्राइम का बताओ मुझे सर 150 प्लस 175 प्लस 1 राइट यस सर कोई दिक्कत किसी को कोई लेकिन प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था तो मैम ने 1 को ऑड में काउंट करने से मना किया था मुझे नहीं लगता कि मैम ने ऐसा किया होगा कोई बाय मिस्टेक या फिर ऐसा हुआ होगा स्किप हो गया होगा माइंड से क्योंकि ये तो बड़ा यूजुअल चीज है कि वन जो है ऑड ही होता है यस सर यस सर बेटा किस स्कूल में हो आप बच्चे सर प्रतिभा तो बेटा मुझे ऐसा लगता है कि बाय मिस्टेक ऐसा हो गया होगा कि मैम के जो स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा ऐसा कुछ हुआ होगा बेटा ओके सर ठीक है ओके चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट वन ये इसका सॉल्यूशन है आप देख लेना इसको चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा मुझे और पहले कमेंट में कीजिएगा सब लोग इसमें आई थिंक 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं नो बॉय 1 बॉय 2 बॉय
एटलीस्ट वन बॉय एटमोस्ट, तो एटलीस्ट वन बॉय का मतलब होता है कम से कम, सर यस सर, जीरो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है सर, एटलीस्ट में वन टू थ्री वो वाले, क्या बेटा ऐसा एटलीस्ट में वन और टू आएंगे। हाँ ठीक है, आप सब लोग करो पहले आंसर, दो मिनट का टाइम लो, उसके बाद आंसर करना, मैं वन बाय वन पूछूंगा सबसे, ठीक है। क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, देर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम मेंटी क्विज नहीं खेल रहे, ठीक है, मेंटी क्विज खेलेंगे फिर जल्दी से करना। सर डन डन सर्वस, यस सर डन, यस सर डन। ये जो आप अपने फोन पर देखेंगे तो राइट मोस्ट साइड में स्पीकर के बराबर में एक सर्कल का साइन आ रहा है ना, साइक्लिक का, साइक्लिक साइन आ रहा है सर, कहाँ पे आपके फोन में, अगर आप फोन पर मीट यूज कर रहे हैं तो राइट मोस्ट साइड में जो स्पीकर का साइन है उसके जस्ट पीछे। हाँ ये किस चीज के लिए होता है बेटा? सर कैमरा में, ओके कैमरे का बैक ऑफ फ्रंट स्टार्ट हो जाता है इससे, राइट? ओके यस सर, ओके आज मैं सब कुछ सीख लूंगा आप लोगों से। सर 0.14 पहले का, सर दूसरे, सर दूसरे का 0.5, सर फोर्थ 0.86 एंड सर फिफ्थ का 0.7 आई थिंक। ओके तो संचित गोयल हैं आप, हैं सेवेंथ? नो सर। संचित गोयल कौन है यहाँ पर? सर मैं हूँ संचित गोयल। आप हैं, तो एक बार मुझे फेस दिखाएंगे? चलो दिखाओ कौन है संचित गोयल, मैं थोड़ा पहचानने तो लगूंगा आप लोगों को, एटलीस्ट सब लोग कैमरा बंद करके बैठे होते हो, थोड़ा ऑन करो सभी लोग, दिखाओ मुझे। यस सर। आप हैं संचित गोयल, ओके ठीक है। और आप हैं, क्या नाम है आपका? सर कृष्णा शर्मा सर, दूसरी आईडी से ज्वाइन करा है। ओके और फिर है अर्णव, ओके और आप हैं प्रथम, आप हैं ज्योति और बाकी लोग भी दिखाओ। जय, आपका नाम जय है बेटा? यस सर। ओके धन नारायण, और बाकी लोगों को भी देख लेते हैं भाई, बाकी लोग भी ऑन कर लो। जैद ठीक है, मनोज, मनोज भी है ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ पर, तो दिखाओ जल्दी से अपना फेस तो दिखा दो। मैंने खोला कर लव्वे, सर मेरा भी ऑन है। सर डन डन, चल चलते हैं वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ऑलमोस्ट सबने आंसर कर दिया है, तो किसी भी बच्चे को क्या ऐसा कोई कंफ्यूजन है एटलीस्ट का या एटमोस्ट के वर्ड में, कोई कंफ्यूजन है किसी को क्या? नो सर, नो कंफ्यूजन, नो। तो भैया यहाँ पे कहानी क्या है? हाँ बोलिए। सर मुझे एटमोस्ट वन बॉय का पूछना है सर, उसमें हम वन बॉय का ही इंक्लूड करेंगे ना? कितनी फैमिलीज की बात हो रही है? दो बच्चों को सिलेक्ट किया गया। अब ठीक है, दो बच्चे क्या गर्ल बॉय, दो ही कंडीशन होंगी ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज इन फैमिली क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, वन हो सकता है और टू हो सकता है। नंबर ऑफ फैमिलीज 140, यानी कि ऐसे जो जिनके पास जीरो बॉय यानी लड़का है ही नहीं वहां पर, तो 140 है। जहां पर वन बॉय है वो 56, 560 फैमिलीज है।
और जिनके पास टू बॉयज हैं वो 300 है, राइट। अब उन्होंने कहा कि वन बॉय सिलेक्ट करना है, तो वन बॉय कितने लोगों के पास है, 560 और डिवाइड बाय 1000। अब इसकी बात की जाएगी जिस दिन, तो क्या हो जाएगा 300 अपॉन 1000। अब आती है एटलीस्ट की बात, एटलीस्ट का मतलब एटलीस्ट वन बॉय, यानी कम से कम एक तो होना चाहिए, और मतलब सर एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये कह रहे कम से कम एक, इसका मतलब एक तो हो ही, दो वाला भी चलेगा, कितना हो जाएगा 560 प्लस 300 अपॉन 1000। अब इसकी बात करते हैं एट मोस्ट वन बॉय, ज्यादा से ज्यादा एक बॉय, इसका मतलब जीरो वाला और वन वाला एंड वन वाला 140 और 560 डिवाइड बाय यस सर 1000। अब इसको ना सर्टेन सा एग्जांपल देके क्लियर करता हूं, किसी एक बच्चे को एट मोस्ट में कंफ्यूजन थी, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल सुनिए। आप अपने पापा के पास गए और आपने कहा कि पापा मुझे 50 रुपीज चाहिए, एटलीस्ट 50 रुपीज चाहिए, ठीक। तो आपकी फीलिंग क्या है वहां पर, आपकी फीलिंग ये होती है कि डैडी इतना पैसा तो मुझे चाहिए ही चाहिए, अगर आप उससे ज्यादा दे सकते हो तो दे दो, यही मतलब होता है इसका। यस सर, कम 50 चाहिए ही चाहिए, इससे ज्यादा दे सकते हो दे दो। तो यहाँ पे क्या एटलीस्ट है, इसका मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए और इससे ज्यादा भी हो सकता है तो वो ले लो, ठीक है। यस सर। अब सामने से आता है पापा का रिप्लाई, सामने से पापा का रिप्लाई आता है कि बेटा मैं तुम्हें एट मोस्ट 25 रुपीज दे सकता हूँ। यस सर। उनका फीलिंग होता है, उनका फीलिंग होता है कि बेटा 25 दे सकता हूँ, उससे कम में काम चल जाए तो उतना ले लो। तो हमने क्या किया, एटमोस्ट वन कहा उन्होंने, तो वन ले लिया, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ये हो गया, उससे कम में काम चल जाए मतलब इतना, तो ये हो गया। क्या अब क्लियर है एटलीस्ट और एटमोस्ट? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर है। तो जो जिस बच्चे को दिक्कत थी एटमोस्ट में, वो मुझे आवाज देके बताओ कि क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ओके, शाबाश। तो ये उसके सॉल्यूशंस हैं। नाउ मूव ऑन टू वन मोर क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, केयरफुली मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, केयरफुली पढ़िए इस क्वेश्चन को और सिंपली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके आंसर दीजिए, ठीक है। पढ़ लो आराम से और फिर आंसर देना, कमेंट्स में देना। वैभव ने आंसर दे दिए हैं कमेंट में, बाकी लोग भी दो, लव्या ने दे दिए हैं, मोहम्मद साजिद ने दे दिए हैं, शाबाश पीटर, जैद ने दे दिए हैं, नारायण ने दे दिए हैं, आनंद झा ने, ओके ग्रेट, अर्णव ने दे दिया, ओके मनोज ने भी दिया आंसर, चैट में भी लिखना है किसमें बेटा, चैट में पहले तो अगर आपने डन कर लिया कोई बात नहीं, मतलब सर टाइपिंग में टाइम लग रहा है, लेट इट बी छोड़ दीजिए, मत लिखोगे, हो गया सबका डन? यस सर। यस सर।
यहाँ पर जो निधि नाम की बच्ची है एक, तो मुझे निधि अपना फेस दिखाओ बेटा, कौन हो? इज देयर समवन, कोई है निधि? ओके मनोज, डन हो गया मनोज का भी, ओके चलो मुझे लगता है निधि यहाँ पर नहीं है। नंदिनी बघेल बेटा, नंदिनी कौन है? शो मी योर फेस। यस सर। ओके बेटा, आपको सारा समझ आ रहा है बेटा? यस सर। ओके सर, ठीक है। सक्षम, शो मी योर फेस, मुझे दिखाओ बेटा कौन हो आप? सक्षम बेटा, सक्षम, एम आई ऑडिबल टू यू? सक्षम नहीं आ रहा। समीर, एम आई ऑडिबल टू यू? समीर, सर इन्होंने लीव कर दिया, समीर समीर तो गया। ओके चलो, लेट इट बी, लेट इट बी। ये बच्चे पता नहीं क्यों डर रहे हैं मुझसे, मुझसे मुझसे अगर कोई डर जाए तो फिर कैसे काम चलेगा। चलो कोई बात नहीं, चलो अब हम उठा लेते हैं क्वेश्चंस को, यानी क्वेश्चन नंबर 10 को। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट, यूनिट आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिखी हुई है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा, तो जितने भी बच्चों से नहीं हुआ है वो सभी बच्चे ध्यान से देखें क्या करना था। उन्होंने कहा इफ फर्स्ट डिवीजन एटलीस्ट 60% मार्क्स, तो इसका आंसर बोलो मुझे कितना आएगा? सर 4/5 करना होगा तो 60 से ज्यादा जितने भी है, 60 से ज्यादा कितने हैं? 8 टाइम्स है 64, 76, 62, 85, तो कितना हो जाएगा 4/5? ओके, 70 से 80 के बीच में कितने हैं? सर 1 सर 76 होगा, यही है बस? यस 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 सर। 75 और उससे ऊपर कितने हैं? 70 छोड़े नहीं आप मत हो गया 3/5 राइट? यस सर। तो यस सर, यस सर क्लियर है। ओके चलिए, मुझे समझ नहीं आया सर, ये सारे उनको ऐड कर क्या है? नहीं सुनो बेटा, कौन सा वाला समझ नहीं आया आपको मुझे बताओ, पॉइंट नंबर? सर ये थर्ड, आई मीन सर सेकंड ये वाला, ठीक है। उन्होंने कहा कि 70% से लेके 80% के बीच में, यानी कि ऐसे बच्चे जिनका 70 से 80 के बीच में है यूनिट टेस्ट में, तो 70% देखिए कहां पर है, 70% से ये क्या है, ये 70 से कम है, ये वाली चीज 70 से कम है, ये वाली 70 से कम है, 70 से ज्यादा या तो ये है या फिर ये है, राइट राइट यही है। हेलो, यस सर, कह रही सर मेरा बस इतना क्वेश्चन है सर, ये अपॉन में 5 किस हिसाब से आया सर, मुझे वो पूछना है। 1, 2, 3, 4, 5 इस हिसाब से। ओके सर, ठीक है, 5 यूनिट टेस्ट है ना बेटा, क्लियर है सबको? यस यस सर। ओके ठीक है, ये ऐड नहीं करके आया, ये नंबर है, ये देख क्या है कौन सा इतने से ऊपर नंबर है, ठीक है, ऐड करके नहीं आया। चलो आगे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन, साइलेंटली आंसर करो, अपने माइंड में पहले सोचो उसके बाद आंसर करना, ठीक है। कुछ बच्चों ने आंसर करना स्टार्ट भी कर दिया है। जय नारायण आनंद झा ने, संचित ने, सौभाग्य ने, वैभव,
मोहम्मद साजिद, मयंक सक्सेना ने, वंशिका ने, कृष्णा शर्मा ने भी आंसर कर दिया है, समीर ने भी आंसर कर दिया है, देवेंद्र ने, ओके ओके, क्रिस वर्मा ने, कृष्णा शर्मा ने, ज्योतिषा ने, प्रथम आनंद ने भी, ओके तो आई थिंक ऑलमोस्ट सबने आंसर कर दिया। भूमिका उपाध्याय ने भी कर दिया, मनोज ने डन कर दिया, यस सर, ओके यस सर, ऑल हैव डन, ओके। चलिए तो ये क्वेश्चन सामने लिखा हुआ था, तो इन जनरल अगर मैं बात करूं तो कितनी बार कॉइन उछाला गया? थाउजेंड पॉसिबल आउटकम्स, थाउजेंड टाइम्स, यानी कि ये जो पार्टी है इसको मैं क्या लिखूं, एन एस, राइट, यही मतलब है इसका? यस सर, इस पार्टी को मैं क्या लिख दूं, एन एच, और इस पार्टी को क्या लिख दूं, एन टी, राइट, एन टी, यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, क्या सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो पी एच भी निकाल लो और पी टी की भी निकाल लो। सर एन मतलब है, एन मतलब नंबर, अच्छा नहीं, एस का, एस का मतलब सैंपल स्पेस, ओके ठीक है। तो पहले केस में ये हो जाएगा, और दूसरे केस की अगर मैं बात करूंगा तो 545 अपॉन 1000, राइट, यस सर। इन दोनों का सम मुझे बताओ कितना आएगा? सर 1000, 1000 by 1000, that is equal to 1. Yeah, क्योंकि probability है तो, और probability जो है sir, 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है, और sure event की कितनी होती है? सर 1 होती है, 1, impossible वाले की 0, 0, 0, 0, कोई ऐसा केस बताओ जिसमें नेगेटिव प्रोबेबिलिटी होती हो? सर कोई भी केस नहीं होता, सर कोई भी, अभी बताया आपने क्या बोला क्वेश्चन अभी? मैंने बोला कि कोई ऐसा केस बताओ जिसमें नेगेटिव प्रोबेबिलिटी होती हो, सर कोई नहीं होता ऐसा केस, पक्का देख लो, यस सर, यस सर, नहीं होते, यस सर, सर ये श्योर इवेंट, सर ये एक बार दोबारा बता दीजिए, सर मैं कल की क्लास में नहीं थी, क्या नाम है आपका? सर मोक्षिका, मोक्षिका बेटा, श्योर इवेंट्स का मतलब होता है कि जिस बात की बिल्कुल बिल्कुल पुख्ता सबूत हो, बिल्कुल पक्का पक्का हो, जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन या कोई भी एनिमल है, उसकी बर्थ होती है, ये बात सही है, लेकिन डेथ होना कंफर्म है कि नहीं है? यस सर, तो जो चीज, जो चीज बिल्कुल झुटलाई ना जा सके, जिसको ये कहा ना जा सके कि भैया ये बात होगी नहीं, जिसमें बिल्कुल भी चांसेस ना होने के, हो ही नहीं, बिल्कुल पक्का पक्का हो, दुनिया में जो भी पैदा हुआ है डेफिनेटली एक दिन उसकी डेथ होनी है, तो ऐसे केसेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1, समझ गए बेटा? ओके सर। और इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है कि जो इवेंट ही ना बन पाए, जो इवेंट ना बन पाए, सर जैसे बॉल ग्रेविटी का अगेंस्ट, मतलब सिर्फ ऊपर ही जाती जाए, वापस नीचे ना आए, बिल्कुल, जैसे हमने यहाँ से एक बॉल थ्रो की, जैसे बच्चे ने जो बोला उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, हमने एक बॉल थ्रो की टुवर्ड्स स्काई, तो अगर वो बॉल वापस नहीं आई तो ऐसा केस तो हो ही नहीं सकता, यस, और अगर हम कहें कि वो बॉल वापस ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो वो क्या है? 0 है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको क्या करता है, वापस नीचे ले आता है ना, यस सर। और सर हेड्स और टेल्स यानी एक कॉइन में किंग और क्वीन की पॉसिबिलिटी, हाँ जैसे कि कॉइन है, अब कॉइन पर जो है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वहां पर क्वीन आ जाए या जैक आ जाए या एस आ जाए, तो सर क्लास में हो रही क्या बेटा? और सर नेगेटिव का मतलब? हाँ नेगेटिव का बता देता हूँ, देखो अभी हमने जैसे यहाँ पे लिखा कि प्रोबेबिलिटी जो है मिनिमम से मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 होती है, yes, वो कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, इसलिए मैंने पूछा, बच्चों ने कहा नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया वहां पर, okay, कोई भी आपसे पूछ रहे कि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है क्या, तो आप कहोगे नहीं, हर चीज की संभावना मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम 0 हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती, ओके सर, मतलब सर मेरे पास एक डाउट है सर, पिछली क्लास में सर अभी अभी आया
कि सर जीरो और वन के बीच में हो सकती है, पर सर श्योर या तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा या श्योर इवेंट होगा, क्योंकि सर कोई इवेंट हुआ तो उसकी लास्ट में सारी प्रोबेबिलिटी को मर्ज करके वन ही आएगा ना, तो सर ऐसी थोड़ी हो सकता है जो जीरो और वन के बीच में हो, सर वो तो हाफ हुई ना उसका एक पार्ट हुआ रियल प्रोबेबिलिटी का। एक बार रिपीट करना क्या अपनी बात? सर जैसे किसी भी इवेंट की ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती ना जो हमने पूरा एक इवेंट लिखा, सर जैसे कॉइन की पॉसिबिलिटी हेड्स और टेल्स की सर हम डिफर कर सकते हैं, पर कॉइन की हम जीरो और वन के बीच में नहीं आ सकती ना सर, वो तो श्योर होगा ना कि गिरेगा ही। अच्छा, ये मतलब बीच में नहीं आ सकती। यस सर, हाँ ये बात सही है, ये बात सही है कि वो किसी के बीच में रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो पॉइंट्स में कहीं आ जाए, वो 0.5 ही रहेगी वो। लेकिन एक्चुअल में क्या है बेटा, क्योंकि हम तो कंप्लीट सिर्फ कॉइन पे तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड नहीं है, प्रोबेबिलिटी तो मल्टीपल थिंग्स पर बेस्ड है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट इसमें काउंट होते हैं। जब आप इसको प्रोबेबिलिटी में आगे लेके जाओगे तो थोड़ा सा हिस्सा इसके 11th में पढ़ोगे और 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे, लेकिन जब आप 12th में पढ़ोगे तो काफी वाइड लेवल पर आएगी, तो वहां पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करोगे जहां 1/5 आ रही है, 1/6 आ रही है, 1/4 आ रही है, 2/8 आ रही है। सर जैसे सर हमें अभी मास पढ़ा रहे थे सर बहुत टाइम से और बता रहे थे कि सारी चीजें जो है इक्वल है और मास कभी भी चेंज नहीं होता, पर न्यूक्लियर फ्यूजन और उसमें एनर्जी में चेंज हो सकता है और क्वांटम फिजिक्स में भी डिफर कर जाता है सर, जो केसेस हमें पता नहीं है। ठीक है, हाँ वैसे भी कह सकते हो, नहीं तो मास के केस में अगर मैं बात करूं, देखो चेंज जो होता है ना, डिफर जो होता है वो वेट करता है। इन जनरल फिजिक्स में भी हम बात करें, आपने देख सुना होगा कि मून पर जो 1/6 होता है ना, Yes, sir. Yes, sir. वो वेट चेंज होता है। अगर मास की बात करूंगा तो मास तो जो है हमारे वो हमेशा इक्वल रहेगा, प्लूटो पे भी वही रहेगा, सैटर्न पे भी वही रहेगा, नेपच्यून पे भी वही रहेगा, लेकिन बाय इन केस ऑफ वेट इट विल वेरी टू प्लेस टू प्लेस, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होता है। मैं कहता हूँ आप ज्यादा दूर मत जाइए, यहाँ आप अपना वेट यहाँ पर मेजर कीजिए, यहाँ पर दिल्ली में, और आप अपना वेट मेजर जाके कीजिए गुजरात में, गुजरात में जो हमारी एक जगह है कच्छ, वहां जाके अगर मेजर करोगे तो कुछ और आएगा, इवन आप लद्दाख में जाके चेक करोगे तो वहां पर कुछ और आएगा, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ द रीजन इज, आप कहोगे कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर जगह सेम ही रहता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर समथिंग रहता है, लेकिन मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कच्छ की बात कर रहा हूँ या फिर मैं उसकी बात कर रहा हूँ लद्दाख में, वहां पर दो एक ऐसे पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, जहां पे आपने सुना होगा गाड़ी मूव कर रही होती है तब पीछे की तरफ मूव करने लग जाती है ग्रेविटी, जबकि नीचे की तरफ जानी चाहिए वो चढ़ाई की तरफ जाने लग जाती है। हाँ एग्जैक्टली, तो मैग्नेटिक फोर्स वहां पे लग रहा है तो वहां पे वेट पे भी इम्पैक्ट पड़ जाएगा, ठीक है, तो मास पे लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट? यस सर, चले कहाँ बताया आपने कि गाड़ी पीछे की तरफ मूव करने लग जाती है? बेटा दो दो जगह है, एक लद्दाख में एक जगह है लद्दाख, और गुजरात में एक जगह है कच्छ, जहाँ पर वाइट रेगिस्तान है, जहाँ पे सॉल्ट का रेगिस्तान है, तो वहां पर भी ऐसा होता है। ओके सर, ठीक है, यस सर, एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स वहां पर है, इम्पैक्ट होता है, लोग मैजिक समझते हैं कि अरे ये क्या मैजिक है वहां पर, लेकिन सब हर मैजिक जो है साइंस पर डिपेंड होता है। चलो Now we have one more question for you. बेटा करो इसका आंसर। Yes. सोचो फिर आंसर देना मुझे, ठीक है? ज्योति ने आंसर दे दिया है, कृष्णा ने भी दे दिया, अर्णव ने भी, आनंद ने भी, पहले का 21/100 सर, दूसरे का 11/20 और सर तीसरे का 6/25 सर, सही है।
ये तो अभी बाकी सबको देने दो, अगर मैं अभी बोल दूंगा सही है तो फिर बाकी सबका भी यही आंसर हो जाएगा। Yes, sir, करते हैं सर, अपने आप चेंज कर देते हैं चाहे सही हो बाद में अपना आंसर। हाँ वो होता है, वो देखो कोई भी बच्चा हो, यूजली कुछ बच्चों का होता है सर, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा मकसद है उनको भी सिखाना, वो भी सीखे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा थोड़ा नोटिस होता है ना, चाइल्डिश होता है, थोड़ा चलता रहता है सब कुछ। और मैंने तो कल ही तुम लोगों को कहा था कि तुम अपना बड़ा भाई समझो मुझे और रिलैक्स होके पढ़ो, बिल्कुल किसी को भी कुछ भी नहीं आता, यू कैन डिस्कस विद मी। ओपन हार्ट से आप लोग उसके साथ डिस्कस कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं इस बात से। जैसे यहां पे एक बच्चा है साजिद, मैं तो चाहता हूं वो भी बात करे, वो भी मुझसे बात करे, वो भी डिस्कस करे, वो भी पूछे, ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। आज नहीं तो कल बात करेगा, लेकिन वो बच्चा बात जरूर करेगा मुझसे। Yes, sir, उन्होंने कभी बात नहीं की सर क्लास में, सर जवाब हमेशा देते हैं। हाँ जवाब हमेशा देते हैं, बात नहीं करते, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज नहीं तो कल, लेकिन कभी ना कभी मुझसे बात जरूर करेगा ये बच्चा। Yes, sir. सर वैसे सारे पार्ट्स डन हो गए हैं। ओके गुड, चलो सबका डन हो गया। तो मैं जिससे पूछूंगा वो इसका रिप्लाई करना, ठीक है? ओके सर। तो सबसे पहले मैं लव्या जैन से पूछ लेता हूँ। लव्या बेटा आप बताओ। यस सर। सर तीनों बताऊँ, पहले बताऊँ सिर्फ? सर तीनों बताओ। तीनों बताओ। यस सर, फर्स्ट का सर 21/100 और सर सेकंड का आया सर 11/20 और सर थर्ड का आया 6/25। 6/25, ओके ठीक है। जो अभी कोई हैंड रेज कर रहा था, नाम था उनका कृष्णा, बेटा आप बताओ। यस सर, फर्स्ट केस में टू हेड्स का होगा सर 0.105 टाइम्स और सर वन हेड का होगा सर 0.275 और सर नो हेड का होगा सर 0.12 टाइम्स। ठीक है, और अभी आप बताओ बेटा। सर उसमें बाय 500 है, 1000 थोड़ी है। यस सर, उसका हाफ आएगा। सर फर्स्ट का 0.21, सर सेकंड का 0.55 और सर थर्ड का 0.24। ठीक है, चलो अब हम ले जाते हैं क्वेश्चन पे, एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था तो भैया सिंपल सी बात, उन्होंने कितना का है 5500 का है, कुछ नहीं है, सबकी अकरेंस बतानी है इच केस की। तो 105/500 पहला केस, 275/500 दूसरा केस, 120/500 ये तीसरा केस, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ नहीं किया आपने इसमें? नो सर। यस सर ऐसे ही किया है। चलिए तो पॉइंट में तो आप लोग कर ही लोगे डिवाइड। यस सर। यस सर। शाबाश, चले अगले क्वेश्चन पे। यस सर। यस। तो इस क्वेश्चन के बाद ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, केयरफुली देखिए क्योंकि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ आ गया है, बस आपको केयरफुली देखना है और आंसर करना है, ठीक है। तो देखिए क्या कहानी है इसकी। रेफर टू द फॉलोइंग टेबल, मार्क्स दे रखे हैं इंटरवल्स की फॉर्म में, 0 से 20 से लेके गया 70 अबव तक। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है सामने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20 मार्क्स इन द टेस्ट। सर 4/9 सेकंड वाले का और सर पहले वाले का 7/90। क्या नाम है बेटा आपका? सर गलत है? नहीं ना, पूछ रहा हूं बेटा। अच्छा सर मोक्षिका। मोक्षिका, हां बेटा पहले का बताओ कितना बताया आपने? सर मैंने आंसर चैट बॉक्स में लिख दिया है। डरने का नहीं होता, गलत भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई डरने का नहीं, खुल के बताओ। ठीक है 23।
क्योंकि 60 तो नीचे आएगा ना ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में. यस सर, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो जरा ध्यान से, ये यहाँ गया, इसका सम यहाँ आया, देखो ध्यान से, यही हो रहा है क्या? यस सर. समा करना होता है, ये जो यहाँ आएगा ना, इन सब का सम यहाँ लिखा है, जो यहाँ होता है ना वो यहाँ जाता है, सम करने का आसान तरीका. यस सर. ये देखो ऐसे, ये यहाँ आया होगा, फिर ये यहाँ आ गया होगा, ये ऐसे गया होगा, ऐसे ही बस यहाँ टैली मार्क बना देते हैं सर, वो टेबल बन जाती है. हाँ, टैली करने का तरीका ये, ठीक है? तो सबको आंसर क्लियर है इसका, ये बताऊं? क्लियर है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स, 20 से कम आने चाहिए. तो 20 से कम वाली कहानी 0 7 बाय 90. तो 7 है स्टूडेंट, तो 7 बाय 90. दूसरे पे क्या है, 20 ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड मार्क्स 60 और अबव. 60 में ये वाला भी काउंट हो जाएगा? यस सर. ये वाला काउंट होगा, ये वाला नहीं होगा, नीचे वाला काउंट होगा, लास्ट सेकंड सर. उसमें 50 भी काउंट हो रहा है ना? हाँ, तो एक्चुअल में ये जो टेबल है ना, इसमें टेबल में गड़बड़ है. यहाँ क्या होना चाहिए, 20 बन होना चाहिए यहाँ पर. Yes, sir, ऐसे ही होता है. या 40 बन होना चाहिए, या 50 बन होना चाहिए, या 60 बन होना चाहिए. Yes, या 60 बन होना चाहिए. सर, ऑप्शन ऐसे भी सही है. ये भी ठीक है. ऐसे भी सही है. सेकंड क्वेश्चन तो सही है, फर्स्ट में है. सर, अगर कोई मतलब सर नंबर लिया जाता है तो सर जिसमें वो स्मॉलेस्ट मतलब सर लोअर फॉर्म में लिखा होता है वो लेते हैं. अपर लिमिट इज एक्सक्लूसिव. यस सर, सर 0 to 19 आएंगे, लेकिन नीचे वाले में 20 टू 20 काउंट नहीं करेंगे सर, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते. यस सर. तो क्या आपको हर तरह के क्वेश्चंस करने आ गए? ग्रुप बना सकते हैं सर मैथ का, क्योंकि सर आपकी स्लाइड हम तक नहीं पहुंच पा रही है सर, पहले कर देते हैं हम. सर एक बार आप वाला कार्ड के पार्ट्स दोबारा बता सकते हैं? हाँ, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कार्ड को, या डेक को एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा. और जो जैसे एक बच्चे का भी कहना था कि उसके पास ये जो स्लाइड्स है, यानी ये जो पीडीएफ है, ये उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप लाइन पर रहिए, मैं अभी मधु मैडम से आपके सामने कॉल करता हूँ और बात करता हूँ, ठीक है? एक मिनट रुक जाइए सर. ऐसा क्यों हुआ? ये तो गुरु रंधावा की फैन निकली. पता नहीं मधु मैम आपको क्यों नहीं सेंड कर रही, आप लोग कैमरे में देखो, मैंने कल ही जो मधु मैम को ये पीपीटी जो कल वाली भेज दी थी, आप लोग कैमरे में देख सकते हैं इसको, ये मैंने पीपीटी कल ही भेज दी थी, आप लोगों को दिख रहा होगा. यस सर. यस सर. यस सर. 24 पेजेस की पीपीटी थी, मैंने कल ही भेज दी थी. कोई बात नहीं, मैं आज ही अश्योर कर लूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, और आपको टाइम से मिलती रहेगी, ठीक है? यस सर. आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप वगैरह बना हुआ होगा वहां पर? जब मैं बना लूं?
सर ऑफिशियल कोई भी नहीं, मैथ्स वाले सब ने तो प्राइवेट ग्रुप बनाया है अपना सर, अनऑफिशियल तो है सर लेकिन ऑफिशियल कोई ग्रुप ऑफिशियली तो आई थिंक ओपन होता नहीं है ना सर, सिर्फ फिजिक्स का है। एक मिनट यस सर, ना ग्रुप उस पे टेलीग्राम पे होता है ना चैनल, यस सर ग्रुप बना लो द न्यू ग्रुप में सर इंक्लूड कर दीजिए सर हम सबको। न्यू ग्रुप में नंबर चाहिए होता है क्या? नो सर, वो बना के सर लिंक यहां पे शेयर कर दो सब इसमें। यस सर, सो उससे ज्वाइन हो जाएंगे हम सर। अच्छा एक मिनट रुको, लेट मी चेक। आपका राइजर है नहीं? यस सर, यस सर, यस सर, सर राइजर बैच मैथ 4 एमटीएससी। और मैं आपको क्या शेयर करूं इसका लिंक? यस सर, उसका लिंक सर, लिंक शेयर बटन, लिंक शेयर का तो ऑप्शन नहीं आ रहा। मैंने ये ग्रुप बनाया है सर, सर ज्वाइन पार्टिसिपेंट में होगा सर, कॉपी लिंक सर, कॉपी करना पड़ेगा उसको। ये चुना प्लस एड नंबर करके तो बन रहा है यहाँ पर, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दे रहा मुझे। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ इसको। एक बार जिस बच्चे को आता हो सर वो अपनी स्क्रीन शेयर कर देगा, वहां से देख लीजिएगा। मुझे सिखा दो तुम लोग, मुझे नहीं सिखा रहे हो, सीखने दो मुझे। हर किसी को सीखना चाहिए ना। यस सर, कुछ भी नहीं सीखना, इट्स फॉर लर्निंग। यस एग्जैक्टली सर, ऐड फॉर मेंबर्स के सर उधर लिंक आएगा सर, कॉपी लिंक सर उधर। जैसे जब आप टेलीग्राम ओपन करते हो तो सबसे न्यू ग्रुप लिखा आता सबसे पहले लेफ्ट में। यस सर, मैंने उस पे क्लिक किया, उसके बाद आ रहा है ऐड पीपल। तो ऐड पीपल में मैंने मान लीजिए मधु मैडम को ऐड कर लिया सबसे पहले, ठीक। तो मधु मैडम यस सर, सब दो लोगों का सर ग्रुप हो जाएगा सर, उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आएगा सर, उसको कॉपी करना होगा। यस सर, और इधर पेस्ट करना राइजर मैथ्स 9 ये फाउंडेशन मैंने डाल दिया। अब इसके बाद जैसे ग्रुप जनरेट हो गया दो मेंबर्स का, क्या करूं मैं उसके बाद? क्या करूं बच्चे? डिस्क्रिप्शन में जा, डिस्क्रिप्शन में गया मैं, लिंक आएगा। अच्छा ऐसा है क्या? सर ग्रुप के नेम पे क्लिक करिए, ग्रुप के नेम पे क्लिक करो। नेम पर क्लिक कर रहा हूं तो डिस्क्रिप्शन परमिशन सर ऐड मेंबर आएगा उधर, एक पब्लिक होता नहीं ग्रुप। हाँ लिंक का आ रहा है ऑप्शन सर, उधर सेंड लिंक आ रहा होगा। मैं आपके साथ इसको उसमें शेयर कर देता हूँ जो आप चैट कर रहे हो ना। यस सर, बना लिया। हाँ बना लिया, एक मिनट बस। देखो क्या आप लोगों को मिला? यस सर, यस सर मिल गया, यस सर मिल गया, मिल गया तो ज्वाइन कर लो आप लोग इसे। सबने कर लिया जॉइन? कर डाला इतनी देर में जॉइन? मैं आपको कल वाली फाइल सेव कर दूं? यस सर।
ये नाम चेंज कर दिया किसी ने ग्रुप का? यस सर, वेट में कर रहा हूं। देखो मिल गई आपको ये फाइल? यस सर, मैंने कर रखा है। यस सर। सर आपका डोनाल्ड डक वाला है ना सर सिंबल? हाँ, डोनाल्ड डक वाला है। ये सब मिल गई? ठीक। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कशन करेंगे, काम की चीजें करेंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास की भी भेज देना उसे। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो। चलो मैं डेक को एक्सप्लेन कर दूं, किसी बच्चे को डेक की जरूरत थी, राइट? यस सर। चलो मैं डेक को एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताते रहना उसमें। सर ये तो आपने करा दिया। हाँ मैंने करा दिया, लेकिन किसी एक बच्चे को ना क्लियर नहीं है, इसलिए मैं उसको दोबारा बता देता हूँ। ओके सर। है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। चलो मैं बता देता हूँ। चलो तो सबसे पहले हम डेक की बात करते हैं। तो बेटा डेक जो होता है उसको ताश बोलते हैं। कौन बच्चा था इसको पूछना था, नाम बताओ बेटा अपना? मोक्षिका। मोक्षिका, तो बेटा उसको ताश बोलते हैं। जो आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में पार्क में बुजुर्ग लोग बैठ के खेलते रहते हैं, वही होता है डेक, ठीक है? अब उसमें टोटल जो 52 कार्ड्स होते हैं बेटा, ठीक, टोटल कार्ड्स 52। अब यहां से दो सेक्शन बनते हैं, एक तो बनता है रेड कलर का, तो जो रेड कलर का होता है वो इधर की तरफ जाता है, तो वो रेड कलर के जो होता है 26 कार्ड होते हैं। अब यहां से दो बातें होती हैं, एक ऐसे जाता है और एक ऐसे जाता है। तो जो रेड कलर का होता है उसको हम बोलते हैं डायमंड, और एक जो होता है उसको बोलते हैं हम हर्ट, ठीक है? तो जो डायमंड होते हैं वो आपके 13 होते हैं, और जो हर्ट होते हैं वो आपके 13 होते हैं, यानी 26 से दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। लेकिन एक और सेक्शन होता है इसमें जो ब्लैक कलर के होते हैं। अब एज ऑफ कोर्स ये बात है, सीट जो ब्लैक कलर के, तो मैं ब्लैक से तो बना नहीं पाऊंगा, मैं ग्रीन से बना देता हूँ। तो ये भी 26 होते हैं। अब यहां से ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो 13 ये वाले हो जाते हैं और 13 ये वाले हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं क्लब। I think it's right. बोलो बेटा बोलो। सर कुछ एस से होता है ना दूसरा? हाँ, स्पेड। स्पेड, ठीक है? तो ये हो गया आपका स्पेड, राइट? अब मैं किसी एक को डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया, तो इसमें सबसे पहले होता है एस, ठीक है? फिर होता है सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। अभी बताता हूँ बेटा, इसको बोलते हैं, आपने सुना होगा इक्का, ठीक है? यहाँ पर दो तीन कार्ड और होते हैं, उसको बोलते हैं किंग, सरफेस कार्ड, क्वीन और आपका जैक, जोकर। ये सारे कार्ड जो है, ये बॉक्स में जो मैं लिख रहा हूँ, ये सारे भी इसी में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इन कार्ड की एक पहचान होती है और इनको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं बेटा? फेस कार्ड, ठीक है? ये सेम चीज है, यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी होती है। बस क्या होता है, ये वाले ब्लैक कलर के होते हैं, ये वाले ब्लैक कलर के होते हैं, ये रेड के होते हैं, ये रेड के होते हैं, ठीक? तो अब मैं आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ कि टोटल फेस कार्ड की अगर बात की जाएगी तो कितने होंगे। तो अगर टोटल फेस कार्ड की बात की जा रही है, तो आपने देखा इस वाली लाइन में, इसमें तीन थे, तीन यहाँ पर होंगे, तीन यहाँ पर होंगे, तीन यहाँ पर होंगे, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 3 + 3 + 3 + 3, टोटल मिला कितना हो गए? मैं आपसे पूछूं कि टोटल 1 कितने होते हैं, तो वो भी कितने होंगे? 12। सोच लो एक बार सर। 4 होंगे? 4, सॉरी 4। तो इसी तरीके से 2 कितनी बार होगा? 4 बार। 3 कितनी बार? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। सारे कितने होंगे? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स, ठीक है? अब मेरे क्वेश्चन का अगला आंसर दो, किंग कितने होंगे टोटल? सर 4। सर दो जो है रेड कलर के होंगे और दो जो ब्लैक। पर सर एक मस्टैश नहीं होगी सर, आपने बताया था सर पिछली क्लास में। चेक किया जाके
सर हर्ट्ज होता है शायद। क्वीन यस सर चेक किया। चेक किया तो क्या सच थी वो बात? हेलो क्या ये बात? यस सर। ओके तो देखो क्वीन के केस में भी यही कहानी है, क्वीन के केस में भी यही कहानी है और जैक के केस में भी यही कहानी। क्लियर है सबको? Yes, sir, क्वीन और जैक में भी कुछ स्पेशल केस होते हैं क्या सर, जैसे किंग के मुस्टैच वाला होता है? नहीं नहीं क्वीन और जैक में नहीं होता ये ही पर। लेकिन एस के बारे में मैंने कल भी बताया था कि एक जमाने में इसको भी फेस कार्ड के तौर पर लिया जाता था ठीक है, लेकिन जब ये एनसीईआरटी की दूसरी बुक्स आई तो इसको कैंसिल कर दिया गया और इसको एज ए फेस बंद कर दिया। लेकिन आज भी अगर वो क्वेश्चन में कह दे लेट्स कंसीडर एस एस एज ए फेस कार्ड तो भैया आपको मानना पड़ेगा, तो आपको मानना पड़ेगा सर। तो एस कार्ड इसलिए तो नहीं मान, इसलिए तो फेस कार्ड नहीं मानते थे सर एस को, क्योंकि सर इस पे फेस नहीं बना हुआ था सर, बस ए बना हुआ होता था बड़ा, यही कारण है ठीक है। तो मोक्ष का बेटा डेक के बारे में सारी कहानी क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। सर एक बार क्वेश्चन पूछूं आपसे इसके बारे में? यस मुझे एक बात पूछनी थी सर, जब हमने एस कार्ड को फेस कार्ड से हटाया तो सर उस टाइम पे इसे कौन सी श्रेणी में रखा गया? नंबर कार्ड की श्रेणी में? नंबर कार्ड की श्रेणी में, क्योंकि एस नंबर वन नहीं होता ना यहाँ पर, तो एज ए वन कंसीडर होता है। ओके सर ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे आपने फिल्म में देखते होंगे, म्यूजिक सुनते होंगे, वहां पर एस की बात होती है, एक के की बार बार बात हो रही होती है, तो नंबर वन होता है ना वो। यस सर। जिसके पास एक कार्ड है वो नंबर वन, ऐसे कुछ होता है ना फिल्मों में। साउथ की मूवी देखते हो आप कैसे भाई? टॉलीवुड देखा है सर आपने? टॉलीवुड में तो बहुत ज्यादा होता है ना ये। यस सर। यस सर। आपने देखी हो द मास? यस सर देखिए। यस सर। सबने देखी है? यस सर देख। भानु प्रताप बस सर्विस वाली? यस सर देखिए। सर अमिताभ बच्चन? चलो अगला क्वेश्चन लें फिर। यस तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुझे आंसर करो इसका। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट्स इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। यूनिट टेस्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने? 69, 71, 73, 68, 74। नाउ दे वांट टू नो based on the data find the probability that the student gets more than 70% in a unit test. More than 70 ki baat kar raha hai. So sir 3 by 5 sir 3 by 5 sure? Yes sir. Sir 0.6 yes sir. To bhaiya ek to isme aaye uske 70 se zyada number, ek isme aaye aur ek isme aaye, kya number isme nahi aaye? टोटल यूनिट टेस्ट कितने हैं? सर 5 है। सर 5। और आई कितने में? सर 3। सर 3। क्या हो गया? सर 3/5। सर 3/5। मोक्ष का बेटा क्लियर है आपको? यस सर। और ज्योति बेटा आपको क्लियर है? ज्योति सर और डिवाइड करके हमें 0.6 मिल जाएगा। हाँ आरव बेटा क्लियर है आपको? आरव तो आरव कौन है? अर्णव। अर्णव है? अच्छा अर्णव बेटा क्लियर है? अर्णव अर्णव ओके आई थिंक अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो बाकी सब बच्चों क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? यस सर सर क्लियर है। नो सर नो डाउट सर क्लियर। ओके चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शुरू हो जाओ फटाफट से मुझे आंसर करने का। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स सी प्लेस। तो ये बैट्स विमेन है ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। सर डन सर 4/5 तो सर 4/5 ओके। यहां पे एक्चुअली जब पेपर में हम करने बैठते हैं तो ये वाली गलती होती है, ये वाली। इन्होंने क्या पूछा? Did not। अब जब हम एग्जाम में करने बैठते हैं तो हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि did not हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, हमें तो सिर्फ इतना देखते हैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये 6 बार मारा गया। तो बच्चे क्या करते हैं फटाफट से
वो तो फटाफट से सर 6/30 करके 1/5 कर देंगे जो गलत हो जाएगा। लेकिन समझदार लोग क्या कर रहे हैं, समझदार लोग तो यस सर तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका 1/5 हो गया राइट सर, तो ये 4/5 हो जाएगा। यस सर यस सर आपको मालूम ही है कितनी 1/5, तो ये हो गया 4/5। ये वाली गलती मैंने बहुत बच्चों को बहुत यूजुअल मिस्टेक है, बहुत ज्यादा यूजुअल मिस्टेक है जो सब लोग करते ही करते हैं। हाँ जल्दबाजी में हो जाती है क्योंकि वहां पे ना एग्जाम में जब करने बैठते हो हमें कोई क्वेश्चन आता है तो हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और ओवर एक्साइटेड में ना क्योंकि इस तरह की चीजें दिखती नहीं है, ये वाली जो चीजें है ना दिखनी बंद हो जाती है अपने आप। चले आगे की तरफ। यस सर यस सर सर 475/1,500, 814/1,500, 211/1,500 को प्लस करेंगे टोटल कहानी क्या है 1500। ऐसे क्वेश्चन हमने किया था थोड़ी देर पहले, वो हमने बॉय के लिए किया था, ये गर्ल के लिए है, दो की बात हो रही है या तो दो गर्ल होगी या एक गर्ल होगी या जीरो गर्ल होगी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया उन्होंने टू गर्ल्स का, तो एज ऑफ कोर्स सी बात है टू गर्ल्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो तो ठीक है, लेकिन टोटल फैमिली कितनी है 1500 सर 1500। अब टू गर्ल्स वाली कितनी है 475 आंसर कर लेंगे, लेकिन जब इसकी बात की जाएगी तो भैया ये क्या है वन गर्ल, और वन गर्ल वाली फैमिली कितनी है 814 और डिवाइड बाई कितना करेंगे 1500। अब इन्होंने कहा नो गर्ल, गर्ल होनी ही नहीं चाहिए, तो गर्ल जब होगी नहीं तो कौन सा केस है, वो सिर्फ ये वाला जीरो वाला 211/1500 राइट। अब मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो तीन क्वेश्चन थे यहां पर, मैं इसमें एक फोर्थ क्वेश्चन ऐड ऑन कर रहा हूं, एटलीस्ट टू गर्ल। अब बताओ आंसर, कम से कम दो गर्ल, इसका मतलब 475/1500 सर फर्स्ट वाला जो था वही होगा। हां राइट, जो ये बस वाला है ना वही। यस सर उसे ऊपर तो कोई गेस है ही नहीं ना, तो हम कैसे सर अगर आप 1 बोलते तो सर सेकंड और फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी मर्ज हो जाती। ठीक, अगला क्वेश्चन प्लेस कर रहा हूं। यस एटलीस्ट टू गर्ल्स का मतलब तो सर टू से कम भी हो सकती है ना गर्ल्स, मतलब सर एटलीस्ट ओके सर हाँ। बाउंड्री जो है, दो से ऊपर होना चाहिए। अब एटमोस्ट का इन्होंने एटमोस्ट टू, अगर मैंने एटमोस्ट टू कह दिया अब तो सर वन आएगा, इसका मतलब ये टोटल मिला के ऊपर 1500 हो जाएगा, नीचे 1500 इसका मतलब ये जो केस हो गया ये श्योर इवेंट का केस हो गया। श्योर इवेंट यस सर, गर्ल तो होगी ही होगी है ना, ऐसा कुछ हो गया ये हो गया। बोलो सर, मुझे सर एट मोस्ट वाला समझ नहीं आया, सुनो दोबारा से सुनो मैं बताता हूँ। जैसे मम्मी कहती है ना एट कि एटलीस्ट एक रोटी तो खा ले, मतलब एक तो खाई ले उससे ज्यादा भी खा सकते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं एटमोस्ट वन ही खा सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा एक। हाँ तो जैसे आपने आपने बड़ा सही एग्जांपल दिया, मेरी मदर भी ऐसे ही करती है कि एटलीस्ट वन चपाती तो खा ले, इसका मतलब मम्मी की जो इंटेंशन होती है वो कहते हैं एक तो खा ले लेकिन दो भी खा ले, तीन भी खा ले, चार भी खा ले, पांच भी खा ले, वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है राइट, रिस्ट्रिक्शन लगा देती है।
मिनिमम की रिस्ट्रिक्शन ये है कि इतनी तो तुझे खानी ही पड़ेगी, नहीं तो चपेट पड़ेगी। यस सर, ऐसे होता है ना। यस सर, तो ये सारे लेने पड़ेंगे आपको। लेकिन जब कंडीशन जो एट मोस्ट की लगाई जाती है तो वो कंडीशन लगाते हो आप लोग, मम्मी के रिवर्स में यही कंडीशन होती है। मम्मी का कहना होता है कि कम से कम एक चपाती तो खा ले, और आपकी होती है कि नहीं मैं आधी चपाती खाऊंगी। तो उनका आपका आगे, उनका आगे की तरफ चल रहा होता है, रेज हो रहा होता है, और आपका पीछे की तरफ चल रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। और वही पैसों के मामले में बात होती है, तो पैसे के मामले में आप दोनों का इसका बिल्कुल वाइस वर्सा चल रहा होता है। पैसे के मामले में आपको ज्यादा की तरफ बढ़ रहे होते हैं और मम्मी नीचे की तरफ बढ़ रही होती है, राइट? यस सर। क्लियर है बेटा जिसने पूछा था क्वेश्चन? यस सर। ओके चले आगे। यस सर। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सामने लिखा हुआ है, सोच समझ के केयरफुली आंसर देना मुझे। आपका नाम क्या बेटा? मोक्षा। यानी कि आपके हिसाब से इसका आंसर आ रहा है कुछ ऐसा। दूसरे नाम का मेरा भी यही आ रहा है सर। यस सर, सेम आ रहा है। दूसरे का तो किसी आया तो सर 1048/2400। अगले का बताओ सर। मेरा ये, हाँ मेरा भी है सर। मेरा ये नहीं आ रहा नेक्स्ट, वो सेकंड का मेरा आ रहा है 579/2400 को ही तो प्लस करेंगे। अच्छा, यस सर, ठीक है। यस सर, सर 25 ही होगा। सर 25 अपॉन 2400। बताओ जल्दी से सर, 25 थोड़ी ना सर, 59 होना चाहिए। सर मोर देन टू व्हीकल्स लिखा है सर। सर एट लीस्ट सम नॉट मोर देन सर वन। सर सर सारे वन वाले केसेस और जीरो वाले केसेस को प्लस कर देंगे सर अपॉन 240। सर इधर तो 40 प्लस करके, सर इधर का थोड़ा 10। चलो कोई बात नहीं, देखो क्वेश्चन पढ़ लेना है। एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट द रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन ए रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द फैमिली। लास्ट में बताऊं अब देख लेते हैं बेटा। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इन द लिस्टेड इन द गिवन टेबल बिलो इज, सपोज द फैमिली चोजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चोजन इज। तो इन्होंने सबसे पहले कहानी ये कही कि जिनके घर में जीरो व्हीकल है, वन व्हीकल है, टू व्हीकल है और दो से ज्यादा व्हीकल है, तो इनकी जो फैमिली इनकम है लेस देन 700, आई थिंक 7000 रुपए ना। ये इनकम किस में दिए? रुपीज में दिए, मंथली इनकम। तो ये 7000 है, ये भी 1000 है, ये भी 1000, ये 7000 यहाँ पे लिख के दिया है, ठीक है, मंथली इनकम। तो जिन लोगों की जो फैमिली इनकम 7000 से कम है उनके घर में ऐसे लोग 10 मिले जिनके घर में एक भी व्हीकल नहीं था,
एक व्हीकल वाले 160 मिले, दो व्हीकल वाले 25 मिले और दो से ज्यादा वाले 0 मिले। तो इसी तरीके से टेबल है। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इन क्वेश्चन वन, अर्निंग 10,000 टू 13,000 पर मंथ एंड ऑनिंग एग्जैक्टली टू व्हीकल्स। तो भैया 10,000 से 13,000, 10,000 से 13,000 की बात करूंगा तो केस कौन सा है? ये वाला, ठीक? Yes, sir. और क्या कह रहा है? ऑनिंग एग्जैक्टली टू, टू व्हीकल्स होने चाहिए। तो ये केस कहां पे आ गया? ये वाला? नो सर, सर थर्ड केस 29 वाला। एग्जैक्टली टू वाला, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। तो एग्जैक्टली टू वाला ये है। तो इसका सीधा सीधा जो पहले का आंसर हो गया वो 29100 कितना दे रखा है? 240 दे रखा है ना, 2400। ठीक, अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में क्या था? अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनली एग्जैक्टली वन व्हीकल। क्या था? 16,000 और 16,000 से ज्यादा। 16,000 से ज्यादा कहाँ पे है? 16,000 वाला भी काउंट होगा? ये थर्ड वाले की, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल। तो 7,000 से कम वाले इन पर होंगे और एक भी व्हीकल भी होगा, यही वाला होगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, 2400। ठीक, यस सर। उसके बाद फोर्थ वन को लेते हैं, अर्निंग 13,000 टू 16,000 पर मंथ एंड ऑनिंग मोर देन टू व्हीकल्स। तो 13 से 16 वाला केस ये है और कितने के हैं? दो से ज्यादा कहां पर है? यहां पर 25, ये रहा 25, 2400। पांचवे का क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, एक व्हीकल से ज्यादा ना हो। तो एक व्हीकल से ज्यादा ना हो वाले केस कितने हैं? एक व्हीकल से ज्यादा ना हो वाले केस ये हैं सर, जिनके पास वन व्हीकल भी हो और जीरो व्हीकल्स भी हो। बिल्कुल, यस सर। ना हो एक व्हीकल से, यस सर, वो मर्ज कर दे मंथली इनकम का, कुछ चेक कर लेंगे। तो ये सब क्या होते हैं? 2062 सर, 2062 बाय 2400। क्लियर सबको? यस यस सर। कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो? ये देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इज हियर? वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 10 ऑफ अ ब्लैक सूट। देखिए सर, डन लेकिन इतनी फास्ट, मतलब इतना फास्टली इसमें आंसर नहीं हो पाता सर, सोचना में टाइम लग जाता। कोई बात नहीं बेटा, 2-4-10 क्वेश्चन करोगे तो बहुत फास्ट हो गया अभी इन सब की तरह। तो ये आपका सॉल्यूशन रहा, फिर ये क्वेश्चंस हैं। तो बेटा मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको, होमवर्क के तौर पर आपको करने हैं, ठीक है? तो यस सर, अब आप सुनिए, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो हो गई ओवर, ठीक है? ओके सर। सर स्टैटिस्टिक्स? ओके सर। हां, तो अगली क्लास में एंटी क्विज करा दो इसका। हाँ, सर सुनो सुनो, तो कल भी मेरी क्लास लगी हुई आई थी, राइट सर? हमें नहीं सर, अभी हमें पता नहीं मिला सर, अभी मैसेज आया नहीं है। अच्छा, तो मेरी क्लास कल भी लगी हुई है। अगर मेरी कल क्लास लगी हुई होती है तो उसमें हम मेंटी क्विज करेंगे, ठीक है? ओके सर, यस सर, राइट ओके सर। और मेंटी क्विज जो होगा YouTube पर होगा, आपको पता ही है बात? यस सर, यस सर, ठीक है सर। आपको लिंक भेज दिया जाएगा, तो उस टाइम पर जो उसी क्लास के टाइम पर स्टार्ट करेंगे उसको, ठीक है? यस सर, ओके सर। ऐसा कोई है जिसको प्रोबेबिलिटी कोई डाउट है?
और सब लोग फटाफट फटाफट आंसर देना, और उससे अगली क्लास जो भी होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। मैं जब सर कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो सर उसमें मेरे को एक टॉपिक मिला सर, एलिमेंट्री केस का, प्रोबेबिलिटी का, सर उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? एलिमेंट्री केस का? यस सर। आपने क्या पढ़ा वहां पर, बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन मिली आपको? सर कुछ क्वेश्चन था कि सर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और उनमें जो उनके सैंपल निकालने हैं पहले और फिर उसके बाद बताने कि इसमें एलिमेंट्री केस कौन से हैं। देखो एक्चुअली जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे तो सीधे सीधे आपको सैंपल स्पेस दे रखे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जहाँ पे आपको सैंपल स्पेस डायरेक्टली नहीं दे रखे होते, तो फर्स्टली आपको सैंपल स्पेस फिगर आउट करने होते हैं और उसके बाद आपको क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आपने देखा होगा ना a plus b का होल स्क्वायर। यस सर। यस सर। a plus b का होल स्क्वायर, तो ये a plus b का होल स्क्वायर एक्चुअली आया कहां से, आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab। यस सर, यही पढ़ा होगा, ठीक। तो ये इसमें फॉर्मूला आया कहां से, क्या इसका ओरिजिन है, वो हमें फिगर आउट करना होता है, तो मैं आपको ओरिजिन बता रहा हूं। तो जो आपने पढ़ा ना वो कुछ इसी तरह की चीज पढ़ी, तो वो होता है a plus b की होल पावर एन, एन सी जीरो, ए की पावर एन और बी की पावर जीरो। उसके बाद होता है एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर वन। उसके बाद चलता है एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू और बी की पावर टू, और ये इसी तरीके से चलता रहता है, और लास्ट में जाके एन सी एन हो जाता है और ए की पावर जीरो हो जाती है और बी की पावर एन हो जाती है। आप जरा केयरफुली देखिए, इन दोनों की पावर का सम n है कि नहीं है? Yes, sir. इन दोनों की पावर का सम भी n है। Yes, इन दोनों की पावर का सम भी n है। सबकी पावर का सम n की है ना? Yes, sir. अगर मैं यहाँ पर a plus b की पावर 2 डाल देता और मैं इसको ओपन करता, देखिए 2c0, a की पावर 2, b की पावर 0, फिर 2c1, a की पावर n माइनस वन, इसका मतलब 2 माइनस वन और b की पावर 1, फिर 2c2, a की पावर 0 और b की पावर 2। तो ये जो 2c1 है ना, ये 2c1, ये 2 होता है, मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ अभी, और 2c2 होता है, ये 1 होता है, तो यहाँ पर देखिए, और 2c0 भी बता देता हूँ, ये भी 1 होता है। तो आप देखेंगे ये पार्टी 1 हो गई, यहाँ पे ये पार्टी 1 हो गई, इसकी पावर 0 है, क्या बचा a स्क्वायर, ये कितना होता है यहाँ से देखिए सर, 2 होता है, ये क्या बचा a बचा, और ये क्या बचा b बचा, ये क्या हो गया 1 हो गया, ये 1 होता है देखो यहां से, यस सर, तो क्या बचा a की पावर 0, ये भी 1 हो गया, तो क्या बचा b स्क्वायर, फार्मूला बन गया, यस सर, की पावर 5 भी आ जाए ना तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जो आपने वहां पे पढ़ा, तो बहुत सारे केस ऐसे बनाने होते हैं, बनाने के बाद उसको सॉल्व करना होता है, राइट बेटा? Yes, तो हम yes, पढ़ेंगे जब हम 10th में आएंगे, 10th में भी ऐसे नहीं होगा, तो 10th में हल्का फुल्का उसको देख लेंगे, उसके बाद 11th में, 12th में तो बहुत भयंकर तरीके से एकदम ये आ जाएगा, वहां पर हम इसको डील में करेंगे, ठीक है बेटा? और स्टिल फिर भी कोई डाउट हो तो जो हमने ग्रुप बनाया उसमें डालते रहना आप, ठीक है? इधर समझाओगे? ओके सर। क्या बेटा? आप ये किधर समझाओगे? मैं ये किधर समझाऊंगा, जैसे जैसे आप आगे की क्लासों में आते जाओगे। नहीं समझे बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? सर इस मेंटी से क्या पढ़ेंगे? स्टैटिस्टिक्स। मेंटी के बाद हम स्टैट्स पढ़ेंगे। सर चैप्टर 1 से रिवीजन शुरू करा दीजिए, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे। ओके सर, ठीक है, तो ओवर करें आज का? यस करें बेटा। यस सर। गुड इवनिंग सर, बाय सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बाय सर। गुड इवनिंग सर, बाय सर। गुड इवनिंग सर, बाय सर। गुड इवनिंग मोहम्मद साजिद, गुड इवनिंग। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। गुड इवनिंग।
बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल मेंटी क्विज में, अगर कल क्लास होती है तो कल मिलते हैं, यानी जब भी क्लास होगी उसमें मेंटी क्विज होगा, राइट? ओके सर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, बाय सर, बाय।